बच्चों, पिछले पाठ में हमने विभिन्न आकृतियों से बने टाइलिंग के पैटर्न के बारे में सीखा। इस पाठ में हम दिलचस्प उदाहरण द्वारा इसके बारे में और सीखेंगे। शेरखान, चंदा और बब्बन अप्पू के जन्मदिन की पार्टी में आए हैं। अप्पू के फर्श पे टाइलों से बनी डिजाइन को देख वे सोच रहे हैं कि वे भी अपने घरों में टाइलों का इस्तेमाल कर सुंदर डिजाइन बनाएंगे। पार्टी खत्म हुई और सभी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन चंदा बाजार से इस तरह की टाइलें खरीद लाई है। दुकानदार ने चंदा से कहा था कि वो इस आकृति की टाइलें इस्तेमाल कर इस तरह की डिजाइन बना सकती है, लेकिन चंदा ये डिजाइन बना नहीं पा रही है। बच्चों, क्या आप इस आकृति की टाइल को इस्तेमाल कर ये डिजाइन बनाने में चंदा की मदद कर सकते हैं? जी हाँ, हम इस तरह से इस टाइल को घुमाकर जोड़कर ये डिजाइन बना सकते हैं। चंदा अपने नए फर्श की डिजाइन को देख बहुत खुश है। आइए देखें शेर खान क्या कर रहा है। शेर खान ने अपने घर की तीन दीवारों पर इस तरह की डिजाइनें बनाई हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि शेर खान ने इन तीन टाइलों में से कौन सी टाइल किस डिजाइन के लिए इस्तेमाल की है? शाबाश बच्चों, आपने इसे बिल्कुल सही पहचाना है। चंदा और शेर खान के घर तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। आइए देखते हैं कि बब्बन का क्या हाल है। अरे, ये क्या? बब्बन सिर्फ आधी दीवार पर पैटर्न बनाकर सो गया। बच्चों, क्या आप इस पैटर्न को पूरा कर बब्बन की मदद कर सकते हैं? वाह वाह, बच्चों, आपने इसे बिल्कुल सही तरह से पूरा किया है। बब्बन उठ गया। देखो, बब्बन अपनी सुंदर दीवार देखकर कितना खुश है। बच्चों, इस पाठ में हमने विभिन्न आकृतियों से बने टाइलिंग के पैटर्न के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।